जैसा शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म अप्रिसिएशन की जो परंपरा है वो 60 के दशक में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शुरू हुई थी, और जो दिग्गज दो टीचर थे सतीश बहादुर साहब और पीके नायर साहब, उन दोनों ने इसकी प्रथा शुरू की थी। और उसके बाद से अब तक ये जो 5 हफ्ते का कोर्स फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जनरल पब्लिक के लिए हर समर में चलाया जाता है, जो कि एक रेजिडेंशियल कोर्स है। 2017 के करीब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर स्किफ्ट, जिसका मतलब है स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविज़न, उसके तहत उन्होंने कहा कि हम एक आउटरीच प्रोग्राम करेंगे जिसमें अलग अलग कोर्सेस हम पुणे से बाहर लेके जाएंगे उन लोगों के लिए जो पुणे नहीं आ सकते किसी भी कारण कोर्सेज करने के लिए। तो उसके तहत काफ़ी कोर्सेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिसके अंदर सिनेमेटोग्राफी का कोर्स है, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी का, जिसके अंदर मोबाइल फिल्म मेकिंग का कोर्स है, जिसके अंदर स्क्रीन राइटिंग का कोर्स है, टीवी स्क्रीन राइटिंग का कोर्स है। उसी के तहत इन्होंने फिल्म अप्रिसिएशन का ये जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है 5 दिन का, ये उन्होंने शुरू किया। ये जो कोर्स है, ये फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स, ये कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है। तो ये तो हम शुरू में बता देते हैं कि ना हम आपको फिल्म मेकर बनाने आ रहे हैं, ना हम आपको स्क्रिप्ट राइटर बनाने आ रहे हैं। हम एक 5 दिन का कोर्स में आपको फिल्म के बारे में अलग अलग जो उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम फिल्म हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हम फिल्म एनालिसिस करते हैं, हम प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, और हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर और इन सब चीज़ों को समझकर कई लोगों को ये समझ आ जाता है कि अगर उनको आगे इस लाइन में अपना कुछ करियर बनाना है तो वो किस तरफ जाएं। उनकी रुचि कैमरा की तरफ है, उनकी रुचि एक्टिंग की तरफ है, या वो लिखना चाहते हैं, या वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, या वो एडिट करना चाहते हैं, या वो कैमरामैन बनना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको पूरा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन कम से कम उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो इसके बारे में मुझे और सीखना चाहिए। तो फिर उनको मौका मिलेगा कि FTII के जो बाकी इस तरह के कोर्सेज हैं जो स्किफ्ट के अंडर करते हैं, चाहे वो डिजिटल सिनेमेटोग्राफी का हो, मोबाइल फिल्म मेकिंग का हो, स्क्रीन राइटिंग का हो, तो वो वाले फिर वो शॉर्ट कोर्सेज करके देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है जिनमें उनकी उनको लगता है कि उनकी रुचि है वो उनको आगे परसू करना चाहिए कि नहीं। पिछले एक्सपीरियंस से हमें ये भी पता लगा कि जब हमने 2017 में ये कोर्स करना शुरू किया तो कई जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने FTII और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न SRFTII जो कलकत्ता में है, उनका एग्ज़ाम दिया और उनमें से कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो गया। तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमें एक ईमेल भेज देते हैं और हमें बताते हैं कि सर आपके कोर्स ने हमको थोड़ा मदद किया, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग है। इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग कि हमने जो एफर्ट किया वो किसी का उससे मतलब किसी का फ़ायदा हो गया उससे। ये जो कोर्स है वो 18 साल से उसकी हमने एज लिमिट रखी हुई है कि 18 साल से ऊपर। उसका एक कारण ये भी है कि हम कई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसकी बात शायद 16-17 साल या 15 साल के बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आजकल हम डिजिटल ज़माने में रहते हैं, एक फ़ोन आजकल 12 साल के बच्चे के पास भी है, 11 साल के बच्चे के पास भी है, और उस फ़ोन पे क्या नहीं देख सकते, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक उधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उनको भी थोड़ा सा बताना चाहिए कि सिनेमा एज एन आर्ट और ये जो बाकी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, उसमें क्या अंतर है। इस तरह का कोर्स ज़रूर होना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पर कई स्कूल्स में मैंने सुना है कि उन्होंने मीडिया स्टडीज़ के कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। मेरे ख्याल से अब 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मीडिया स्टडीज़ का एक बाकायदा सब्जेक्ट है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरफ भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एक कोर्स ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहिए जो कि 15-16-17 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ हम करें और उनको समझाएं कि सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म क्या है, सिनेमा की हिस्ट्री क्या है, प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग क्या है, ये सब बातें उनके साथ भी ज़रूर करनी चाहिए।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में तो खूब सुना हुआ था। यहाँ पे तो इंतज़ाम किए हैं इन्होंने, ये बहुत बढ़िया किए हैं। यहाँ की जो टेक्निकल टीम है वो बहुत एफिशिएंट है, किसी भी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं होती। ज़्यादातर कभी कभी हम जहाँ दूर दूर के इलाकों में कोर्सेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं हमें कभी कभी टेक्निकल चीज़ों को लेके, कि साउंड ठीक नहीं है या प्रोजेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी और स्टेट से भी लोग जो हैं ये कोर्स अटेंड करने आए हैं।